जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी को, उसके मॉडल आंसर देखने वाले हैं। ये जो मॉडल आंसर है वो द्वितीय पाली के भाग दो के मॉडल आंसर हैं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, ये प्रश्न के जो उत्तर हम बता रहे हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो अपने प्रश्नों के उत्तर मिलान कर लीजिए। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने 1 से लेकर 90 तक के प्रश्नों के उत्तर देखे थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम का चैनल भी आपको उस लिंक में, उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी जाके आप जुड़ सकते हैं, उसमें आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देखने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था कि यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? तो नगर पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं राज्य विधानमंडल का सदस्य, जो नगर पंचायत का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, जो नगर पंचायत का सदस्य है। इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर रहेगा ये राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि। ठीक है, तो 2 और 4 इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। निम्न युग्म बनाइए, तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, शीतकालीन का जो रहेगा वो 22 दिसंबर रहेगा, शीतकालीन अपनांत। शरदकालीन विषुवत का आपका आएगा 23 दिसंबर, ग्रीष्मकालीन अपनांत का आएगा आपका 21 जून, और वसंतकालीन विषुवत का आएगा आपका 21 मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएँ निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण। नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको पेनी प्लेन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर सैवाइट भक्ति परम्परा का प्रभाव था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ऋषि सिलसिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? असत्य है पूछा है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया, ये जो है गलत रहेगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, जब्ती। ये गल्ला बाजारी भी एक भूमि कर का प्रक्रिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जब्ती होना चाहिए। ठीक है, कौन सा मुगल काल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि वो यह ताजमहल की प्रतिकृति है? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें आपको सीमावर्ती जिला नहीं है पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सरगुजा जो है सही उत्तर रहेगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत पूछा है, इसका रहेगा सही उत्तर ऑप्शन बी, 60.24%। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है? यह रहेगा रसायन उद्योग का विकास। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है, यह रहेगा फुटका पहाड़ कोरबा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। भैंसा दरह अभ्यारण्य का संबंध नहीं है पूछा है, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यह गलत है, नहीं है। ठीक है, बाकी ये मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या कोटा हैदराबाद मार्ग पर है स्थित, ये तीनों सही रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है गलत विकल्प है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? कब कहलाता है? तो एक अधिकार मूल अधिकार तब कहलाता है जब यह संविधान संशोधन मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो संविधान में। ठीक है, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो और इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो, तो ये गलत रहेगा। मूल अधिकार को संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही क्या है, सही पूछा है आपको, तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऐसा संकल्प, ठीक है, ऑप्शन सी इसका रहेगा, दूसरा और चौथा सही रहेगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो है दूसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। सही क्या है पूछा है, तो आपको दो विकल्प दिए हैं, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो आपको पता होगा कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन विधेयक और, ठीक है, एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला विकल्प जो है गलत है और राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है, दूसरा सही है, इस तरीके से केवल दो सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, सामाजिक अध्ययन एक है, तो सामाजिक अध्ययन क्या है, सामाजिक अध्ययन इनमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, मार्क्स रहेगा, ठीक है, अगर आपको लगता होगा स्पेंसर तो आप हमें कारण जरूर बताइएगा, लेकिन हमको लगता है कि ये मार्क्स इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर रहेगा स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य। सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। अगला देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, इनमें से सभी। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण मिलता है, तो कौन इसका विकल्प रहेगा आपका ऑप्शन सी, विशाख दत्त लिखित देवी चंद्र गुप्तम में, ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है और कूट का उत्तर देना है, तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। आर्यभट्ट का क्या आएगा, सूर्य सिद्धांत, और फिर ब्रह्मगुप्त का आएगा बृहत संहिता, वराहमिहिर का आएगा आपका, एक मिनट 117 का, जी 117वें प्रश्न का आपका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच विहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था, तो इसका उत्तर आपका शंकरदेव होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी, ये पश्चिम में थे, पूर्व में थे, तो हम शंकरदेव को उत्तर ले रहे हैं। फिर अगला पूछा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत हुए, तो कौन कौन हुए, सूरदास और मीराबाई, ठीक है, इस तरीके से दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और कूट का सही उत्तर दीजिए, तो जब आप इस कूट को मिलाएंगे तो आपका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है पॉलीगोनस परिवार प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, पॉलीगोनस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। जाति के तीन पहलुओं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया, तो इसका सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसको लिखी थी वेस्टरमार्क ने 1921 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है, तो इसका रहेगा जॉन ब्रेमेन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है पूछा है, तो इसका रहेगा आपका लोक साहित्य, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है। आरंग के जन्म मंदिर को क्या कहा जाता है, तो भांड देवल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला पूछा है, इस राज्य के केसकल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो इसका है तेलीन माता मंदिर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है, तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, श्रृंगी ऋषि के नाम पर है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, आप इस जब कूट को मिलाएंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्यकारी के कहानीकार, तो इसका है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जब आप इस कूट को मिलाएंगे तो इस प्रश्न का आपको जो सही उत्तर है वो मिलेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी, तो जो गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी वो थे लॉर्ड विलेजली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। सूची एक को सूची दो से मिलाइए और कूट के अनुसार उत्तर दीजिए, तो जब आप इस कूट को मिलाएंगे तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है तो इसका असत्य कथन रहेगा ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है, असत्य कथन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो जब आप इसको सुमेलित करेंगे तो कूट के आधार पर जो सही उत्तर आएगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? हमें शरीर चाहिए। परमादेश कहते हैं हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से? और उत्प्रेषण का होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पे बल देना चाहिए? तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला देखते हैं, अगला है प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है वो किल पैट्रिक ने किया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? नहीं है पूछा है, तो प्रोजेक्ट विधि का नियम कौन सा नहीं रहेगा? तैयारी का नियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में क्या विकसित करता है? विद्यार्थियों में सभी विकसित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? लागू हो सकता है कह रहे, तो आपका इसमें भी रहेगा ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको एक कूट मतलब सही जोड़ी मिलाना है कूट के आधार पे, तो जब आप इसका सही जोड़ी मिलाएंगे तो इस आपको जो सही उत्तर मिलेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है पूछा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका 2 तथा 3। ठीक है, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संदर्भ में सत्य है पूछा है, सत्य कथन आपको बताना है, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है पूछा है, ठीक है, सही मिलाव नहीं है, तो कलिंग और जौगढ़ जो है सही मिलाव नहीं है, बाकी सारे सही रूप से मिले हुए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? इसमें संबोधित किया उसने अशोक राजा, तो इसका रहेगा कर्नाटक के मस्की का जो छोटा शिलालेख है प्रथम, उसमें अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला है, एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एटॉल जो है घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति का है, बिल्कुल सही है। एटॉल जो है लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सागर में पाए जाते हैं, ये मेरे को कन्फर्म है, लेकिन लाल सागर और चीन सागर में मेरे को डाउट है, लेकिन हो सकता है इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कन्फर्म पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। पहला विकल्प तो बिल्कुल सही रहेगा, दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सागर में पाया जाता है, लेकिन लाल सागर और चीन सागर के बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ। भारत स्थित है, ये बिल्कुल एकदम सिंपल प्रश्न था, इसका उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए, भारत स्थित है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इन कथनों पर विचार करके आपको सही उत्तर देना था, तो जब इन कथनों पर विचार करेंगे तो सही उत्तर आपको मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है पूछा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर। सही युग्म बनाइए, आपको सही जोड़ी बनाना था, तो जब आप सही जोड़ी बनाएंगे तो इस कूट का आपका जो उत्तर मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति आपका संबंधित है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने से। नीली क्रांति आपका संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और भूरी क्रांति संबंधित है उनके उत्पादन में वृद्धि हेतु। इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 150 तक के प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं जो SST के प्रश्न थे। ठीक है, SST के प्रश्नों का हमने उत्तर देखा। अगली वीडियो में हम विज्ञान और गणित के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि हम आपको एक्यूरेट उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके आप जुड़ जाइए, उसमें आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।